दुनिया जहान। उन्नीस की इस्लामी क्रांति के बाद से रिवॉल्यूशनरी गार्ड ईरान का सबसे प्रभावशाली संगठन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान परमाणु समझौते से जैसे ही हाथ खींचा, रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने ऐलान कर दिया कि यूरोपीय देश अमेरिका के दबाव में रहते हैं, इसलिए अब ये समझौता निरर्थक है। डील रद्द करना वैश्विक कूटनीति की जमीन पर बिछी चौसर पर ट्रंप की ऐसी चाल थी जिसके जरिए वो ईरान को घेरने के इरादे में थे, लेकिन ईरान न बाजी छोड़ने के इरादे में है और न ही चाल बदलने के। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने ट्रंप के ऐलान के कुछ वक्त बाद ही अपना मोहरा बढ़ाया। मैं बसाज़मान एनर्जी एटॉमी दस्तूर दादम आमादगी लाज़िम। मैंने ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन को जरूरत पड़ने पर बिना किसी सीमा के संवर्धन शुरू करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। इस फैसले पर अमल से पहले हम कुछ हफ्ते इंतजार करेंगे, अपने दोस्तों और सहयोगियों से बात करेंगे, डील पर दस्तखत करने वाले दूसरे देशों से भी बात होगी। दो साल की माथापच्ची के बाद जुलाई 2015 में ईरान के साथ हुई डील पर अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी ने भी दस्तखत किए थे। ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी इस डील के तहत ईरान को अपनी परमाणु गतिविधियों को सीमित करना था और बदले में उस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाने थे। जुलाई 2015 में अमेरिका के तब के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दुनिया के सामने इसे बेस्ट डील के तौर पर पेश किया था। Today, after 2 years of negotiations, the United States... दो साल की बातचीत के बाद आज अमेरिका और उसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों ने कुछ ऐसा हासिल किया है जो दशकों की कटुता से नहीं मिल पाया था। ईरान के साथ लंबे वक्त के लिए समझौता किया है जो उसे परमाणु बम हासिल करने से रोकेगा। तब व्हाइट हाउस ने दलील दी थी कि ईरान के पास करीब 20,000 सेंट्रीफ्यूज और यूरेनियम का पर्याप्त भंडार है, जिससे 2 महीने में 8 से 10 बम बनाए जा सकते थे और समझौते के बाद इस प्रक्रिया में 1 साल से ज्यादा वक्त लगने का अनुमान जाहिर किया गया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की पुष्टि के बाद जनवरी 2016 में ईरान पर लगी आर्थिक पाबंदी हटा ली गई थी, लेकिन ट्रंप हमेशा से इस डील के खिलाफ थे। Terrible bad deal. A horrible and laughable disastrous deal with Iran. उन्हें लगातार मनाने की कोशिश में रहे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी अब भी डील में बने रहने की बात कर रहे हैं। रूस और चीन का रुख भी यही है। अमेरिका के हटने के बाद डील की कितनी अहमियत होगी? अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुकद्दर खान कहते हैं, रिपब्लिकन कांग्रेस वो कोशिश कर सकते हैं और ये ट्रंप की पॉलिसी को कांग्रेस में हरा दे सकते हैं। उसके लिए तकरीबन 60 दिन से 90 दिन तक लगेंगे और पता चलने के लिए कि यूएस कांग्रेस इंटरवीन करती है या नहीं। पिछले 1 साल से तो रिपब्लिकन कांग्रेस ने बेसिकली ट्रंप को फैसिलिटेट किया है हर पॉलिसी में और कहीं भी चैलेंज नहीं किया, और ईरान के मसले पर इतना सेंसिटिव है अमेरिका में, ईरान के फेवर में खुद अपने ही पार्टी के प्रेसिडेंट के खिलाफ जाना ये बहुत ही मुश्किल है। सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप ने इस डील से बाहर होने का फैसला सिर्फ इस वजह से किया है कि ईरान पर पाबंदियां सीमित वक्त के लिए लगाई गई थी और इसमें उनके मिसाइल कार्यक्रम पर रोक नहीं थी। मुक्तदर खान कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां ही नहीं बल्कि ट्रंप के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने भी तस्दीक की कि ईरान शर्तों का पालन कर रहा है। ये भी साफ है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम से अमरीका और यूरोप को कोई खतरा नहीं, दिक्कत इसराइल और सऊदी अरब को हो सकती है। वॉशिंगटन में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और लेखक हसन अब्बास भी मानते हैं कि ट्रंप की नीति ईरान के बजाय सऊदी अरब और इसराइल जैसे उन पुराने सहयोगियों की मदद करने की है जिनसे अमेरिका के आर्थिक हित जुड़े हैं। पीस डील थी, उसको खत्म किया गया और कहा नहीं हम मानते, और ईरान को पुश बैक किया, वो तो सामने की बात है। इसके पीछे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इसके पीछे सऊदी अरब और ईरान की जंग है। ईरान को भी इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ईरान एक बिल्कुल मासूम सादा बच्चा है जिसके साथ जुल्म हो रहा है। ईरान ने भी अपने पॉलिसी डिसीजन ऐसे किए हैं जिनकी वजह से मसाइल बढ़े हैं।
मुक्तदर खान ट्रंप प्रशासन की नीति और इस फैसले की वजह को और विस्तार से सामने लाने की कोशिश करते हैं। ईरान मिडल ईस्ट में काफी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का इस्तेमाल करता है, उसके प्रॉक्सीज हिजबुल्ला जैसे सीरिया में डोमिनेट कर रहे हैं, यमन में सऊदी अरेबिया को नाको चैलेंज चबा दिया, इराक में तो अमेरिका ने इराक पे $2 trillion खर्च किया और इराक बन गया है जाके ईरान का क्लाइंट सेट, मेहनत और पैसे अमेरिका खर्च कर रहा है, फायदा ईरान का रहा है। तो ईरान हैज बिकम ए डोमिनेंट पावर इन द मिडल ईस्ट और वो समझ रहे हैं कि ये अगर हम सैंक्शन डालें तो ईरान की फॉरेन पॉलिसी पे भी रिस्ट्रिक्शन ला सकते हैं। लेकिन विशेषज्ञों की राय है कि अमेरिका के ताजा रुख के बाद भी ईरान अपनी नीति बदलने को तैयार नहीं होगा। लंदन के किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर हर्ष पंत को सुनिए। ईरान इस समय उभरती हुई शक्ति है मिडिल ईस्ट में और मुझे नहीं लगता कि वो पीछे हटने वाला है। तो चाहे आप सीरिया देखें या यमन देखें और अभी अभी जो लेबनन में इलेक्शंस हुए हैं उसमें जिस तरह की जीत ईरान के जो बैक कैंडिडेट को मिली है उस तरह से तो ऐसा लग रहा है कि ईरान को सफलता मिलती जा रही है और ईरान ये चाहेगा कि वो सफलता आगे बढ़े। हालांकि ईरान मध्य पूर्व में कोई सीधी जंग छेड़े इसके आसार फिलहाल ज्यादा नहीं है। एक तो हसन रूहानी घरेलू मोर्चे पर दबाव में हैं, दूसरी बात यह है कि आर्थिक हालात भी ईरान के साथ नहीं है। मुक्तदर खान याद दिलाते हैं कि 18वीं शताब्दी में हुए नादिर शाह के बाद ईरान ने किसी मुल्क पर हमला नहीं किया है, लेकिन ताकत के जोर से उसे दबाना भी आसान नहीं है। अगर अमेरिका जाएगा तो क्या करेगा? न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेगा। सारे के सारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पहाड़ों में जमीन के नीचे बने हुए हैं। असेसमेंट जब अमेरिका ने मिलिट्री किया था कि उनके असेसमेंट था कि तकरीबन कन्वेंशनल वेपन्स के साथ 3,000 सॉर्टीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा एयरफोर्स को कि वो सारे के सारे जो नॉन न्यूक्लियर साइट्स है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर ईरान की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अमेरिका से व्यापारिक संबंध रखने वाली कंपनियां अब ईरान से दूरी बढ़ाएंगी। हर्ष पंत की राय है कि ईरान के साथ रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते बेहतर करने में जुटे भारत और चीन जैसे देशों पर भी दबाव बढ़ेगा। जब ये अभी डील चल भी रही थी तब भी ईरान कोई खास फायदे में नहीं था। जिस तरह का इकोनॉमिक रिवाइवल वो देखना चाह रहे थे ईरान, वो हुआ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी जो इकोनॉमिक हालात ईरान के लिए बनेंगे वो काफी मुश्किल वाले होंगे, क्योंकि जो थर्ड पार्टीज हैं उनके लिए संभावना अब नहीं है कि वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर पाए। तो वो मुझे लगता है वो जो समस्या बनी हुई है वो और भी जटिल हो जाएगी। डील से हटने का ऐलान करते हुए ट्रंप ने सऊदी अरब और इसराइल को गदगद कर दिया है, लेकिन क्या इससे अमेरिका को कोई और फायदा होगा? हर्ष पंत को सुनिए। इस तरह के पोजिशंस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है ये हर जगह है। ये आप क्लाइमेट चेंज ले लें या आप ट्रेड ले लें या अब आप न्यूक्लियर डील ले लें कि जो कमिटमेंट्स हैं जो दूसरे देश अमेरिका के साथ नेगोशिएट करते हैं तो गुड फेथ में करते हैं कि आप चाहे सरकार बदल जाएगी लेकिन आप अग्रीमेंट आपने जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन किया है उसको बनाए रखेंगे। अब ये ट्रंप साहब हर चीज को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें समस्या ये है कि आगे आने वाले समय में कौन अमेरिका के साथ नेगोशिएट करना पसंद करेगा। तो शॉर्ट टर्म में तो आप नॉर्थ कोरिया पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित रखने के लिए कोई योजना भी सामने नहीं रखी है। अगर ईरान दोबारा परमाणु हथियार बनाने की योजना शुरू करता है तो पूरे मध्य पूर्व में हथियारों की होड़ शुरू होने की आशंका है। ये डील डिसमिस होने के बाद पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चिंता यही है।